لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज हमने बनाई है मटन कलेजी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। ये मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी, सुबह का टाइम था, और इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास कलेजी थी, मटन कलेजी है, और ये मैंने अच्छे से इसको धोकर वॉश कर लिया है। और इसके साथ ये मेरे पास एक प्याज है कटा हुआ, लहसुन है, और साबुत गर्म मसाला है, और ये सॉल्ट नमक है मेरे पास। तो मैंने एक डिक्ची में दो से तीन गिलास आप पानी डाल दें, और मैंने ये मटन कलेजी इसमें डाल दी, और ये घर के जो मसाले हैं ये सारे मैं इसमें डालकर इसको मैं बॉयल कर लूँगी। तकरीबन इसको मैं 30 मिनट्स के लिए पकाऊँगी कि ये अच्छे से ये गल जाए। तो व्यूअर्स, ये मेरी मटन कलेजी तकरीबन ये मेरी हाफ डन हो चुकी है, तकरीबन ये गल चुकी है। अब मैं इसको पानी से ये निकाल दूंगी। तो व्यूअर्स, ये मेरी तकरीबन ये गल चुकी है। अब मैं एक प्याज लूंगी, उसका तड़का करूंगी, और उसमें मैंने ग्रीन चिली और रेड चिली ये छोटी सी मैंने काट कर इसमें डाल दी है, और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। घर के जो सारे मसाले थे, लहसुन अदरक, और मैंने धनिया हल्दी, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने टमाटर इसमें यूज़ नहीं किया, तो 2 मिनट में मैंने इसको भून लिया था। तो ये आपके सामने हाजिर है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और झट पर बन जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बस ये है मेरी सेकेंड डिश, कीमा आलू शिमला मिर्च। ये बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे वो ये है। 1 kg मेरे पास ये मटन कीमा है, और मैंने एक पैन में ऑयल लिया, 1 कप ऑयल लिया। अब इसको मैं गर्म करके इसमें मैं जो ऑनियन है, प्याज है, वो 1 कप मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको मैं पका लूँगी। जैसे मेरे हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें कीमा डालकर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और मेरे पास ये घर के मसाले हैं, हल्दी है, नमक है, सूखा धनिया है, लाल मिर्ची है, गरम मसाला, और ये सब चीज़ें मेरे पास है जो मैं इस कीमे में डालूँगी। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक को बिल्कुल बारीक काट कर इसमें मैंने डाल दिया था, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जितना भी ये सारे घर के मसाले हैं मैं इसमें डाल दूँगी। अब मुझे कीमे को अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे ही ये मेरा कीमा भून जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को मैं अच्छे से भून लूँगी। टमाटर को मैंने गला लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। जैसे ही ये मेरा थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें मैं आलू मैंने ये काट कर रखे थे ये मैंने डाल दिए, और जितना मुझे ज़रूरत है वो मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी, जब तक ये मेरे आलू गल जाएं। और लास्ट में मैंने शिमला मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये मैंने डाल दी थी। बहुत ही मज़े का ये बना था, तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा आलू शिमला मिर्च ये मेरा बिल्कुल तैयार है। तो बस ये है मेरा नमकीन गोश्त, या इसको आप रोश भी बोल सकते हैं, मटन रोश। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरकीब के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है आइए देखिए। तो अगर इसको बनाने के लिए मुझे 1 kg मटन चाहिए, और ये मेरे पास एक छोटा सा प्याज था, लहसुन है, नमक है, साबुत गर्म मसाला है, सूखा धनिया है। तो मैं इसकी यखनी बनाऊँगी। मैंने एक डेगची में ये सारा गोश्त डाल दिया था गर्म पानी कर, फिर इसमें मैंने ये सारे जो
मसाले हैं ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको पकने के लिए रख दें या कुकर में डाल दें, तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको कुकर में डाल दिया से 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें, ये मेरा काफ़ी हद तक ये मेरा पक चुका है। तकरीबन ये मेरा सारा गोश्त गल चुका है। अब इसको मैं और पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, जैसे ये इसकी अच्छी सी यखनी भी निकल आए और सारे प्याज हैं वो सारे गल जाए। तो मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। तो ये मेरा बिल्कुल मटन रोस्ट तैयार है, ना ही मैंने इसका तड़का किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत ही मज़ेदार ये मेरा रोस्ट, नमकीन गोश्त भी बोल सकते हैं और मटन रोस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत ही मज़े का था। और मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था। तो व्यूअर्स, ये है मेरी फोर्थ डिश, चपटी कबाब और राइस। चपटी कबाब बनाने के लिए ये मेरे पास कीमा है, इसको मैंने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैं ये मैंने टमाटर है जो मैंने बिल्कुल बारीक काट कर, ग्रीन चिली है और प्याज है, ये सारे जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट सब मैं इसमें डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके साथ मेरे पास एक चिली पेस्ट भी था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मैंने इसमें नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। ये सारे मसाले डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। ये मेरा चपटी कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार है, अभी इसको मैं मिक्स करूंगी। तो बस ये मेरे पास कुछ एग थे, मैंने इसको हाफ फ्राई कर लिया था और मैंने इसको कीमे में मिक्स कर दिया था। ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, अभी ये मेरा चपटी कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार है। तो बस मैंने अब इनको फ्राई कर लिया है, ये तकरीबन बन चुके हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की चपटी कबाब बनते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी ईद की स्पेशल डिशेज़, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।